नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गैबी, आपका फेलो, और आप सबका स्वागत करता हूं इस टेक्निकल मैनेजमेंट चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं दो टाइप के एप्पल के। आप ये दोनों एप्पल जानते होंगे, एक तो ये खाने वाला एप्पल और दूसरा ये चलाने वाला एप्पल। लेकिन बात करें दोनों की तो दोनों ही औकात से बाहर हो गए हैं। मतलब ये भी खरीदना मुश्किल हो गया और ये भी खरीदना मुश्किल हो गया है। और देखिए, जब ऐसी कोई चीज औकात से बाहर होने लगती है, मतलब कि एक नॉर्मल कंज्यूमर जो है उसकी रीचेबिलिटी से बाहर होती है, तो फिर वहां पे एक बात आती है कि उस चीज में जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा एक्सलेंट होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ पर्सनल फीलिंग मैं शेयर करना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने मेंशन किया था कि एप्पल जानबूझ के अपनी जो आईफोन्स है उनको स्लो कर रहा है। उसमें उसने कुछ सॉफ्टवेयर बग दिए हैं अपने सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ, जिसकी वजह से जो आईफोन्स है वो धीरे धीरे स्लो होते जा रहे हैं। और स्लो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि एप्पल ने बोला कि भाई वो अपने आईफोन में कोई कंपोनेंट फेलियर होने से बचाना चाहता है, इसलिए वो जानबूझ के उन फोन्स को स्लो कर रहा है। तो उस टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सब कुछ मेंशन किया था कि कैसे कैसे ये चीजें हो रही हैं और कैसे आप अपने फोन को स्लो होने से बचा सकते हो। अगर आप देखना चाहते हो वीडियो तो ये ऊपर कार्ड है, यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो। लेकिन अगर बात करें स्लो की, तो एप्पल 20 दिसंबर को अपने स्टेटमेंट के साथ सामने आया और उसने सबसे पहले जो ऊपर लाइन लिखी वो लिखी कि वी अपोलोजाइज। देखो, अब यहाँ पे ना बहुत बुरा लगता है क्योंकि यार बंदा जब 1 लाख रुपए एक फोन को खरीदने के दे रहा है तो वो डिजर्व करता है कि उसके फोन का जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है ना, जो प्रोडक्ट उसने खरीदा है वो कुछ टाइम तक तो उसके साथ रहे। अब यहाँ पे मेरे को बहुत ज्यादा कमी महसूस होती है भाई स्टीव जॉब्स की, क्योंकि जब तक स्टीव जॉब्स इस कंपनी में थे तब तक ऐसी कोई भी न्यूज, ऐसी कंप्लेन एप्पल की तरफ से सुनने को नहीं मिली थी। लेकिन पता नहीं उनके जाने के बाद टिम कुक ने क्या कमाल किया है कंपनी के अंदर कि ऐसी चीजें हमेशा आती रहती है। और उनके जाने के बाद तो एप्पल केस के अंदर चलता ही रहता है। मतलब कभी कोई पेटेंट का इशू आता है, कभी कोई ट्रेडमार्क का इशू आता है, कभी कोई ना कोई बंदा केस करता है। और जब ये बात प्रूफ हो गई, जब एप्पल ने कोई एडमिट कर लिया, तो फिर बैक टू बैक एप्पल के ऊपर केस होने लगे। यहाँ पे लगभग 8 से 9 केस एप्पल के ऊपर आए, कैलिफोर्निया, यूएस, फ्रांस, हर जगह से बड़े बड़े लॉयर्स ने, बड़े बड़े कंज्यूमर्स ने एप्पल के ऊपर केस मारा कि भाई एप्पल ने जानबूझ के उनके साथ धोखा किया है और उनके जो फोन है उनको कर दिया है स्लो। तो यहाँ पे बहुत पहले एक लाइन हुआ करती थी, इफ यू डोंट हैव अ एप्पल वेल यू डोंट हैव अ एप्पल। लेकिन अभी ये लाइन बिल्कुल सच हो गई है कि इफ यू डोंट हैव अ एप्पल वेल यू डोंट हैव अ एप्पल, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि एप्पल का जो रेपुटेशन हुआ करता था एक टाइम पे, जो उसकी क्वालिटी हुआ करती थी, वो भाई डिग्रेड हो गई है, उसकी वाट लगा दी है इन लोगों ने। तो चलिए, ये सारी बात हुई, ये सारे केस हुए, और फिर जब केस हुए तो एप्पल सामने आया और फिर उसने बोला कि भाई हम बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं और हम नहीं चाहते कि जो हमारे भरोसे वाले यूज़र्स हैं वो हमें छोड़ के जाएं, और इसलिए हम अपोलॉजी के कंसर्न में हम आपको एक गिफ्ट देना चाहते हैं। गिफ्ट क्या दिया उन्होंने कि भाई जो तुम्हारी बैटरी है उसको तुम रिप्लेस करा सकते हो और उसको कम प्राइस में रिप्लेस करा सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता था कि जब आप पहले फ़ोन की बैटरी रिप्लेस कराते थे तो वहाँ पे 7,000 का खर्चा आता था। लेकिन अब एप्पल ने ये बोला कि अगर अब आप बैटरी रिप्लेस कराओगे 2018 के बाद से, तो अब आपका जो खर्चा आएगा अप्रॉक्सीमेटली 1700 से 2,000 के बीच में आएगा। तो यहाँ पे एप्पल ने एप्पल की जो बैटरी है उस पर डिस्काउंट दिया और फिर उसने बोला कि आप जाके बैटरी रिप्लेस करा लो, और रिप्लेस कराने के बाद वो सॉफ्टवेयर पैच देंगे जिसके थ्रू आप पता कर पाओगे कि आपकी बैटरी की हेल्थ कितनी अच्छी है और फिर आपका फ़ोन जो है वो फास्ट चलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए, बात यहाँ खत्म हो गई। लेकिन अदर वे देखें तो अल्टीमेटली एप्पल को ही फायदा हुआ, क्योंकि अब यूजर्स जाएंगे, बैटरी बदलवाएंगे, और हर बैटरी को बदलवाने का उसको 2,000 रुपये प्रॉफिट आएगा। तो इन टर्न उसने जो अपनी सर्विस का प्रॉफिट है उसको इंक्रीज कर दिया और ये बात यहाँ पर दबा दी। लेकिन दोस्तों, आप क्या सोचते हो उसके बारे में? अगर आप एप्पल यूजर हो और आपने कुछ ऐसा फेस किया है, आप क्या सोचते हो कि एप्पल ने क्या किया, कैसे किया, ठीक किया, नहीं किया, नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताना हो। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों, आगे फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।